बड़वानी 15 वर्षीय नाबालिग युवती का कुएं में तैरता मिला शव, दो दिन से थी लापता। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रणगांव की घटना। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रणगांव में आज एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती सलोनी पिता मनोहर का कुएं में तैरता हुआ शव मिला है। युवती पिछले दो दिन पहले दोपहर को अपने घर पर खेत में जाने का बोलकर निकली थी। युवती तभी से थी लापता, जिसकी गुमशुदगी परिजनों की सूचना पर कल ही पुलिस ने दर्ज की थी, जिसके बाद आज युवती का कुएं में तैरता हुआ शव मिला है। शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। घटना से सनसनी फैल गई है। जी, कल दोपहर में 363 की कायमी हुई थी, जिसमें उसके पिता द्वारा बताया गया था कि नाबालिग लड़की परसों 2 बजे से घर से गायब है, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया था। फिर कल शाम को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची का शव रणगांव में बावड़ी में तैरता हुआ मिला है। उसकी सूचना पर वहाँ पर गए, प्रारंभिक कार्रवाई की गई और अभी शव को PM के लिए भिजवा दिया गया है। जाँच जारी है उसमें। बिजासन, मिनी ट्रक को ट्रक ने मारी पीछे से टक्कर। मिनी ट्रक सवार एक की मौत, एक घायल। ग्राम जामनिया मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर बने हुए गतिरोध पर जब मिनी ट्रक ने अपनी स्पीड कम की, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी ट्रक पलटी खा गया। वहीं टक्कर मारने वाला ट्रक डिवाइडर तोड़कर सड़क के उस पार चला गया। हादसे में मिनी ट्रक सवार खलील पिता अमानुल्लाह खान 35 वर्ष निवासी खलगाट की मौत हो गई। वहीं कैलाश पिता सुपड़िया निवासी सेंधवा घायल हो गया। मिनी ट्रक धुलिया से सेंधवा तेल भरकर आ रहा था। मिनी ट्रक को टक्कर मारने वाले ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक का ड्राइवर अभी फरार है। मिनी ट्रक और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? ये आयसर क्रमांक था, इसका MP09G9964। इसमें ड्राइवर खलील पिता अमानुल्लाह था, खलगाट का रहने वाला था। इसके साथ में क्लीनर था कैलाश पिता सुप्रिया सेंधवा, ओम टाकिक के पीछे रहता है। ये धुलिया से कल मीठा तेल के डब्बे भर के सेंधवा आ रहे थे, तो ग्राम जामनिया में टेपर के पास एक पीछे से ट्रक वाला तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चला कर लाया और इनके आयसर को टक्कर मार दिया, जिससे इनके आयसर पलटी खा गई है। पलटी खाने से ड्राइवर खलील को सीने में, हाथ पैरों में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। और ड्राइवर क्लीनर जो कैलाश शुक्रिया है, इसको भी हाथ पैरों में चोट लगी। ट्रक का चालक अपनी ट्रक छोड़ के भाग गया। ट्रक वहीं खड़ी है, ट्रक को जब्ती में लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। ठिकरी, खेत में कपास बिनने गई महिला के पास गिरी आकाशीय बिजली, हृदय गति रुकने से महिला की मौत। ग्राम नाइदड़ में महिला केसरीबाई उम्र 42 वर्ष अपने खेत में काम कर रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई और गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी। महिला को ठिकरी अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल BMO डॉक्टर ND तिवारी ने जाँच की और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर का कहना है कि आकाशीय बिजली महिला के पास गिरी और इस सदमे में दहशत में उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। भैया खेत में गए थे कपास बीनने के लिए। अच्छा। तो बिजली गिरी। अच्छा। पानी 4 बजे का टाइम हुआ था। हाँ। तो दुर्घटना वहीं पे हो गई। ठीक। बिजली गिरने से हृदयाघात की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जी। और बिजली उससे थोड़ा दूर पे गिरी, लेकिन उसका झटका उसको लगा, उसकी वजह से उसका हृदयाघात हुआ और मृत्यु हो गई। जी सर। ठीक।